खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर पर्यटन स्थल हनुमान धाम में मथुरा से आए कलाकारों ने संगीत संध्या से लोगों का मनोरंजन किया है और इस दौरान कथावाचक और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भजन गाकर न केवल कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बल्कि हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आपको बताएं कि हनुमान जयंती पर हर साल हनुमान धाम को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और इस दौरान पूरे शहर के अलावा आस पास के लोग श्रद्धा भाव से इस स्थल पर आकर भगवान हनुमान को नमन और उनकी पूजा किया करते हैं। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितने बाल अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं, विजय दशहरा को भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं, राघव का आदर्श नहर कर अब हमको भी चलना होगा। देश और दुनिया में आज बड़े धूमधाम से हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। भगवान राम का आशीर्वाद था कि कलयुग में हनुमान जी ने जो कुछ भी किया है, उन्होंने कहा था कि हमसे पहले तुम पूजे जाओगे। आज वास्तव में हनुमान जयंती का सबसे बड़ा महत्व है और हम समझते हैं कि पूरे देश और दुनिया में इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। शाहजहांपुर में तो सबसे बड़ी मूर्ति है हनुमान जी की और बहुत प्रेम से हम लोग हनुमान जी को जयंती के रूप में नमन करते हैं।